पहले हम लोग जब पृथ्वी में आया हम लोग एक नेचुरल फॉर्म में आया व्हेन वी रिसीव अ जीसस लेकिन जब हम लोग यीशु मसीह को अपना लाइफ कोर्स में ग्रहण किया वी कम स्पिरिचुअल उसका जब ग्रहण करने के बाद हम लोग आत्मिक बन गया 47 वेरी क्लियरली 47 बहुत क्लियरली कहता है आमेन द फर्स्ट मैन इज ऑफ द अर्थ अर्थली द सेकंड मैन इज द लॉर्ड फ्रॉम हेवन लेट अस लिसन फ्रॉम हिंदी हम हिंदी से सुनेगा ये वचन को प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था दूसरा मनुष्य स्वर्ग है Amen. Look, the first man is of the earth. यहाँ पे कह रहे जो पहला जो इंसान था वो अर्थली था बोलकर Bible said that Adam created from the dust of this earth. वचन कहता है जो आदम को ये दस्त ये जो मिट्टी से बनाया गया So Bible says he is earthly. इसे वचन कह रहे वो अर्थली है So we also when we Before accepting Jesus Christ, उसी तरीके से हम लोग भी जब अपना जीवन में यीशु को ग्रहण नहीं करने से पहले we are earthly. हम लोग अर्थली होता है We have the nature of earthly. हम लोग के जो नेचर स्वभाव है वो अर्थली का होता है I mean, without this, nobody in this earth. बिना उसका कोई भी अर्थ में नहीं होता है Hallelujah. Hallelujah. So second, लेकिन जो सेकंड है the second man is the Lord from heaven. जो सेकंड मैन है वो जो लॉर्ड है स्वर्ग से Amen. Amen. Second man is the Lord from heaven. That is showing us. वो हम लोगों को भी दिखा रहा है. When we born like Adam. जब हम लोग Adam की तरह Adam से जन्म हुआ. I mean our body and everything like earthly. हम लोग का पूरा शरीर सब चीज स्वभाव Adam की तरह fleshly की तरह. So Holy Spirit want make a very clear understanding in our life. इसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में clear understanding देना चाहता when है. When we came from this earth, जब हम लोग ये दुनिया से आया, we took the form of the Adam. हम लोग एक Adam का form से आया, Adam का nature से आया. That same way, उसी तरीका से, when we born from above, लेकिन जब हम लोग यीशु मसीह ऊपर से स्वर्ग से जन्म लेता है, I mean we become a spirit. हम लोग एक आत्मिक जीव बन जाता है. That's the same. Things will be come in our life. आपको समझ में उसी सेम प्रकार से जैसे यीशु मसीह का था वैसा हम लोग का जीवन में आएगा. I mean, verse 48 says. Verse 48 कहता है. As is the earthly, such are they also that are earthly. Amen. And as is the heavenly, such are they also that are heavenly. I mean, let us listen from Hindi. Hindi से सुनेगा. जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी की है और जैसा वो स्वर्ग है वैसे ही वे भी है जो स्वर्ग है Amen. Amen. This is a word very clearly giving understanding to us. ये वचन बहुत साफ से हमें understanding दे रहा है. I mean, as is the earthly, that like Adam, such they all that are earthly. यहाँ पे कह रहा है जो earthly है जो मिट्टी से बनाया गया है सब लोग मिट्टी जो yeah. वो कह रहा है. And as the heavenly, such are they all Also, that are heavenly. और कह रहा है जो स्वर्ग का है जो उस स्वर्ग का जैसे स्वभाव लेकर है क्या? I mean, that means if we born from above. इसका मतलब है अगर हम लोग मिट्टी से नहीं बनाया गया अगर हम लोग स्वर्ग से जन्म लिया है born again हुआ है Amen. We have the nature of heavenly. हम लोग का जो नेचर अगर हम लोग स्वर्ग से born again होके आया हम लोग का जो नेचर है स्वर्ग की तरह एक heavenly होता है कह रहा है we had a nature of Earthly man. हम लोग का पास जब यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करने से पहले हम लोग का जो नेचर था वो अर्थली था मिट्टी का था Now we accepted Jesus. लेकिन जब अभी हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया Then we have in the nature of heavenly man. अभी हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण करके बैप्टिज्म लेके बरी मरने के बाद अभी हम लोग का हेवनली नेचर लिया है हम लोग ने Amen. But many people said, लेकिन अभी बहुत सारे इंसान कहता है Do you know about me? वो बोलते हैं मेरे बारे में तुम्हें पता है? I was a very dangerous person. वो बोलते हैं हम एक बहुत danger इंसान था. I'm still I am. और अभी भी हम हैं. That means, you didn't understand the revelation of the word of God. इसका मतलब है कि अभी तक आपको revelation और प्रकाशन नहीं मिला है वचन से. When you receive Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करता है, your forms are changed. आपका जो form है, आपका जो state है, वो बदल जाता है. Amen. If you are not received Jesus, अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, your form like a worldly person. आप एक दुनियादारी वाला इंसान बन के बैठा है. There is whatever things in the world, it will touch your life. जो भी चीज दुनिया में जो effect करता है, जो भी चीज dangerous है, वो आपके जीवन में effect करेगा. It is a two kingdom. आपको समझ नहीं दो किंगडम दो राज्य है One is a mortal kingdom. एक राज्य है वो mortal राज्य है Another is a immortal. और एक राज्य है वो immortal राज्य है One is a perishable. एक perishable खत्म होने वाला है Another is a imperishable. और एक राज्य है जो खत्म नहीं होगा One is a darkness. एक
अंधकार है, one is a lie, एक जीवत है, जीवन है, one is a death, एक death है, one is a abundance of life, एक abundance of life वाला राज्य है, this is a totally different, आपको समझना है, दो kingdom totally है, when you receive a Jesus, लेकिन जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करता है, you need to say, आपको बोलना है, I am from heaven, आपको बोलना है, हम स्वर्ग से है, I am the image like Jesus, आपको बोलना है, हम मेरा जो image है, यीशु मसीह की तरह है, I'm an old man has no power in my life, मेरा जो पुराना जीव था वो मेरा जीवन में कोई भी पावर नहीं रखता है। अभी आई एम अ न्यू क्रिएचर, मैं एक नया जीव बन गया है। आई एम अ न्यू बीइंग, मैं एक नया बीइंग बन गया है। आई एम हाउ मेनी कैन अंडरस्टैंड टुडे, मैं आज समझ आ रहा है। आई मीन व्हेन यू confess the word of God, जब आप इस तरीके से वचन को confess करता है, so many people are thinking, इसलिए बहुत सारे इंसान सोचते हैं, how long I am in this air, उन्हें बोलते हैं जितना लंबा हम ये दुनिया में बैठ रहा है, I am an earthly man. बोलते हैं हम एक earthly इंसान हैं. So people are saying, Lord, take me in heaven. इसे उन्हें बोलते हैं परमेश्वर हमको स्वर्ग ले जाओ. Our body is a mortal. हम लोग का जो शरीर जरूर mortal है. But it is going to be immortal. लेकिन आपको समझने एक दिन आ रहा है जब ये भी body भी immortal बन जाएगा. But the body can't destroy your life alone. आपको समझ नहीं, लेकिन ये जो शरीर है वो आपका जीवन को destroy नहीं कर सकता. When we study about the human, जब आप ये एक इंसान के बारे में पढ़ते हैं, human is a trichotomy. एक इंसान भी trichotomy, उसका तीन भाग होता है. Amen. Body, soul, spirit. Body, soul और spirit होता है. Amen. If your spirit, soul agree, अगर आपका spirit और soul मानता है बात को, Amen. Body cannot take a decision alone. आपका जो शरीर है, जो अकेला बच जाता है, वो अकेला डिसीजन के लिए खड़ा नहीं हो सकता. How long your soul not supporting your body? जितना लंबा तक आपका soul जो आपका body को support नहीं करेगा. Body is a paralyzed. आपका जो शरीर एक मुर्दा जीव, एक मट्टी से बना ऐसा जैसे बैठ जाएगा. Amen. He dead in the sin. जो शरीर है वो पाप में मरा हुआ होगा. Amen. He dead in the fleshly desire. जो शरीर है वो fleshly desires में मर के बैठेगा. It is separated. सेपरेट होके बैठेगा. How many are understanding? कितने लोगों को समझ आ रहा है? It is a little deep subject. आज का जो सब्जेक्ट है वो डीप है. Amen. 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 For example, Amen. Your spirit, soul, body. Example के लिए आपका स्पिरिट है, ये सोल है, ये बॉडी है. Amen. When your spirit is strong, जब आपका ये आत्मा, जो आत्मा अगर स्ट्रॉन्ग होगा, ताकतवर होगा, soul always with a strong man. आपका जो सोल है हमेशा जो ताकतवर इंसान के साथ बैठता है. When you're born again, जब आप नया जन्म लेता है यीशु में, your inner being has changed. आपको समझना है जो स्पिरिट है, जो अंदर का इंसान बदल गया है. It become a spirit being. ये स्पिरिट बीइंग बन गया है. That time the your soul and spirit join together. उस समय आपका सोल और स्पिरिट एक साथ जुड़ जाता है. Then if a body compel to soul, अगर अभी इसमें बॉडी जो कंपेल करेगा सोल को, Amen. Soul won't close with him. सोल जो इसमें इसके पास नहीं जाएगा. If soul join with the body, अगर ये सोल जो बॉडी के साथ जुड़ जाने से, the fleshly activities will work come back again. आपको समझना है ये बॉडी का जो इच्छा था, जो लज्जा होता था, वो सब आने लग जाएगा. So Bible says, इसलिए वचन कहता है, when you believe in Jesus, जब आप यीशु मसीह को विश्वास करता है, you death to sin. इसलिए वचन कहता है आप मर गया है पाप के लिए. Where is the sin? आपको समझने कहाँ पे पाप है अभी? The fleshly body. आपका जो शरीर में, जो fleshly body में पाप होता है. If your body is not connected with the soul, if that body inactive, Amen. The body and that lust was death. Amen. अगर आपका body soul के साथ connected नहीं होता है, अगर उसमें कोई जीवन पास नहीं हो रहा है, ये आपका body एक मर के बैठ, एक death इसमें होता है, इसमें ये एक बस एक शरीर जैसे बन के बैठ जाएगा, बिना कोई life का. So Bible very clearly says, से वचन बहुत साफ से कहता है, when you receive Jesus, जब यीशु मसीह को आप ग्रहण करता है, you die to sin. वो बोलता है कि आप पाप के लिए मर गया है. But people are confused. लेकिन इंसान लोग confused होता है उसको. Because that has disconnected. आपको समझ में असली में नहीं मरा, लेकिन disconnection हो गया है soul और body का बीच में. Amen. Before your soul and body very close. पहले आपका soul और body बहुत close था. Amen. What the body say, soul also doing. जो जब सोल जो बोलेगा वो बॉडी करेगा. बट व्हेन यू रिसीव अ जीसस, लेकिन जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करता है, इन द लाइफ ऑफ जीसस के, आपको समझना है ये स्पिरिट में यीशु मसीह का जीवन आ जाता है. एंड डिस्कनेक्टेड, और ये यीशु मसीह का जीवन इसको डिस्कनेक्ट कर देता है. आई एम हाउ मेनी कैन अंडरस्टैंड, कितने लोगों को समझ आ रहा है? Before God create Adam, सबसे पहले एडम को परमेश्वर ने बनाया. That time he was spirit controlled man. वो सबसे पहले एक spirit controlled इंसान. When he did sin, लेकिन जब उसने पाप किया, what happened? क्या किया उसने? He spiritually died. उसका आत्मा spiritually मर गया.
that the spirit become inactive. ये spirit जो inactive हो गया जैसे पहले body हो रहा था sin के वजह से. Amen. Before his Adam, soul and spirit was very close. पहले जब Adam को नया नया बनाया था उसका soul और spirit बहुत close था एक दूसरे से. Amen. Body has no much power. उस समय body का कोई सामर्थ नहीं था. But when he did sin. लेकिन जब उसने पाप कर दिया. When sin came. जब पाप आया. That the soul separated from the spirit. तब ये soul और spirit जो एक दूसरे से separate हो गया. Then soul connected with the body. तब ये soul जो body के साथ connect हो गया. So the he became a sin being. उसके बाद वो एक sin being बन गया, एक living soul बन गया. Amen. Become death reign on his life. उसके बाद death जो reign होने लगा उसके जीवन में. In Adam there is a spirit. आपको समझ ना, Adam में आत्मा था. But inactive. लेकिन वो inactive, cut off, totally cut off हो गया. Like a deactivate. एक deactivation हो गया उसमें. Amen. Amen. But it can activate. लेकिन आपको समझ नहीं, activate हो सकता है. But deactivate. लेकिन deactivate हो गया. But when Jesus came. लेकिन जब यीशु मसीह आया. What Jesus did? यीशु ने क्या किया? The spirit was deactivated. जो spirit deactivate हो गया था. Jesus again activated that. यीशु ने वो deactivated spirit को फिर active कर दिया. And deactivate the flesh and the soul connection. और जो ये soul और flesh में जो connection था उसको तोड़ दिया. Amen. Amen. I think you are understanding. मैं विश्वास करता हूँ आप समझ रहा है. Hallelujah. Hallelujah. So we need to believe. इसलिए हमको विश्वास करना है. Amen. I am born from the earth. आपको समझना है कि हम earthly side पैदा हुआ है. Amen. That time I had a character of the world. And earthly. जब हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था उस समय हम earthly characters स्वभाव मेरे अंदर था शायद. And now I am born from heaven. लेकिन अभी हम यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया, अभी हम स्वर्ग से सीधा जन्म लिया है. It's a heavenly. मेरा जो स्वभाव है heavenly है. Amen. Amen. Verse 49 says. Verse 49 कहता है. And as we have born in the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. Amen. Yeah, let us. हम हिंदी से सुनेगा वचन को. 49. और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उत्सर्ग का रूप भी धारण करेंगे. Amen. Word very clearly answering our. I'm a doubt. ये वचन बहुत साफ से हमारा doubt को answer कर रहा है. And as we have born in the image of earthly, like Adam. यहाँ पे कह रहे हैं, as जैसे हमने एक earthly Adam की तरह एक earthly being को हम लोग accept किया और बना उसकी तरह. So every human being almost same. इसलिए जो भी human being है almost same होता है उसके characteristic. I mean their nature, character, body language, most of them are. जो नेचर कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट ऑफ द थिंग्स सेम होता है. Amen. The same way Bible says. उसी तरीके से वचन कह रहा है. We shall also bear the image of the heavenly. कह रहा है हम लोग भी जैसे हम लोग earthly being का bear image को bear किया था उसी तरीके से heavenly image को भी bear करेगा. When you born. जब born again होता है. It happened. वो चीज हो गया है. You need to believe. आपको वो सच्चाई को जानना है और विश्वास करना है. Amen. Many people are trying to bring it. बहुत सारे इंसान उसको लेकर निकाल कर लाना चाहता है. Amen. Today you. आज आपको विश्वास करना है. I have the image of the heavenly man. आप विश्वास करना है कि जो मेरा अंदर है एक heavenly nature है बोलकर. Hallelujah. Hallelujah. The outside man only cover. जो ये बाहर का जो शरीर है वो बस एक covering है, एक cover तरीका से, cover जैसे है. I mean inner man is a real. जो अंदर में ये cover के अंदर जो flesh के अंदर जो इंसान है वो glory है, वो अंदर में है आपके अंदर. I mean cover cannot do alone some work. जो cover है वो अकेला काम नहीं कर सकेगा. I mean how long is the inner man not supporting cover? Quiet. जब तक वो इनर मैन सपोर्ट नहीं करेगा जो कवर अकेला सपोर्ट कुछ भी नहीं करके बैठेगा. I will give one example. आपको एक example देगा. Suppose one person died. अगर एक इंसान मर गया. He left his body in this earth. वो अपना शरीर को छोड़ दिया ये दुनिया में. His spirit left from him. और उसका जो आत्मा छोड़ के चला गया उसको. Amen. He has eye. उसके पास आंख है. He has a hand and leg. उसके पास हाथ और पांव सब है. Mouth, ear. सब मुख है, कान है, सब चीज है. But he can't respond. लेकिन वो respond नहीं कर सक रहा है. Why? क्यों? What has life inside him or moved him that was left from him? जो चीज उसके अंदर था, जो चीज जीवन उसके अंदर था, जो उसको मूव कर रहा था, वो उसको छोड़ के चला गया. When that left, जब वो चला गया, that cover is quiet. वो जो cover, जो body है, वो कुछ नहीं कर सकेगा बिना life का. Amen. Amen. He can't do anything. वो जो body है, बिना spirit का कुछ नहीं कर पाता है. He has eye. उसके पास वो आँख, same आँख है. Brain. उसके पास वो same दिमाग है.
can't understand. वो कुछ नहीं समझ सकता है. Those who are watching us. जो आज हमें देख रहा है. Our life is not a body. आपको समझना है, हमारा जो जीवन है वो शरीर नहीं है. Many people are thinking only body. बहुत सारा सोचते हैं कि हम तो ये शरीर है बोलकर. Body only just cover. आपको समझना है, ये जो body है, जो आपका शरीर है, वो बस एक covering है. Inside us there is a spirit. हमारे अंदर एक आत्मा है. Amen. That spirit. When leaving from your body, वो आत्मा जब आपका शरीर से छोड़ के चला जाता है, you are dead. आपको मर गया घोषित किया जाता Where है. Where that spirit going? और वो आत्मा कहाँ जाता है? It is not going to turn become another animal. आपको नहीं आप ऐसा नहीं है कि वो एक नया जीव बन जाएगा, एक एनिमल बन जाएगा, इस तरीके से नहीं. Some people are thinking this spirit is going to become another man. कोई कोई सोचता है कि ये आत्मा मेरा शरीर से निकल के अभी दूसरा आदमी का उधर घुस जाएगा बोलता है. And going to become again another man. और सोचता है फिर एक नया जन्म लेगा, एक नया इंसान का रूप में बोलता है. Once your spirit leave from you. एक बार अगर आपका ये शरीर से अगर वो स्पिरिट छोड़ के चला जाएगा. It cannot bring back. वो उसको वापस लेके नहीं आ सकता. Amen. It goes if you are children of God, it will go heaven. Amen. Otherwise it will go hell, eternal fire. Amen. अगर आप परमेश्वर का संतान है, वो आपका आत्मा सीधा स्वर्ग जाएगा यीशु का प्रेजेंस में. अगर नहीं है, आपको eternal fire में जाना पड़ेगा, hell में जाना पड़ेगा. Many people are saying heaven and earth is here. बहुत सारा इंसान heaven and hell is here. बहुत सारा लोग का philosophy, वो अपना आपको intellectual सोच के ऐसा बोलता है कि heaven और earth यहाँ पे है. Amen. Body. जो body. No. ऐसा नहीं है. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Body is only cover. जो body है वो बस covering है. Amen. You need to leave your body one day. एक दिन आएगा आपको अपना body को आपको छोड़ के जाना पड़ेगा. Amen. Today you need to understand the truth. आज रात आपको ये सच्चाई को समझना है. Amen. So what I am highlighting to you. आज आपको क्या highlight करना चाह रहा है? Amen. The outside man is nothing. जो आपका बाहरी वाला जो इंसान है वो कुछ नहीं है. Inside person is a man. जो main चीज है वो आपका जो inside में जो आपके अंदर में जो spirit है, being है, वो सबसे main चीज है. When you came out from your mother womb. आप जब अपना मम्मी के कोख से निकला. Amen. Your inner man carried the nature of Adam. जो आपका inner man, अभी हम लोग बाहर का बात नहीं कर रहे, inner man Adam का nature लेके चल रहा था. Amen. But when you received Jesus, लेकिन जब आप यीशु मसीह को ग्रहण किया, your inner man, आपका अंदरूनी इंसान, turned become the heavenly man. वो अंदरूनी इंसान एक स्वर्गीय इंसान बन गया. Amen. You need to believe it. आप आज आपको ये विश्वास करना है. Hallelujah. Hallelujah. You don't say. आप मत बोलो. Amen. I am my nature like a grandfather. आप मत बोलो ऐसा, मजाक से भी मत बोलो कि मेरा नेचर तो मेरा ग्रैंडपापा जैसे है बोलकर. Amen. I am a nature like my mother. मेरा नेचर मेरे मम्मी जैसे है. If you say. अगर आप इस तरीके से बोलता है. You are not born again. आप born again नहीं हो रहा है. You are denying your born again experience. आप जो born again हो गया, आपका अपना खुद का स्टेट को, अपना फैक्ट को, ट्रूथ को आप If any traditional sickness, अगर कोई traditional sickness है, if any traditional curse, अगर कोई traditional curses है, when touch your life, जब आपका जीवन को छूता है, you don't say, आप मत बोलो, oh my grandmother has this, आप बोलेगा, same problem, मेरा जो grandmother उसका भी same problem था, my mother also has same, मेरा मम्मी का भी same problem है, the same came to me, same problem generation से मेरा तक पहुंच गया है, you don't say, इस तरीके से आप नहीं बोलना है, you are a children of God, आप परमेश्वर का संतान है, you need to say, आपको बोलना है, when I receive Jesus, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किया I am from above. ऊपर से जन्म लिया है. Not my grandmother. मेरा जो दादी माँ, जो परदादा से जन्म नहीं लिया है. Not from the grandfather. मेरा परदादा वो उससे जन्म नहीं लिया है. I am a new being. हम एक नया being बन गया है. I am a new creature. हम एक नया creature बन गया है. It is a very powerful when you understand. जब आप ये समझ जाएगा, ये बहुत सामर्थी प्रकाशन है. Hallelujah. Hallelujah. It will help you to understand. पवित्र आत्मा मदद करे आपको समझने के लिए. Amen. You don't say. आप मत बोलो. I am like my mother. हम मेरा मम्मी जैसे है. Hallelujah. Hallelujah. I have one small girl. Pastor की एक छोटा बेटी है. I'm now 7 years old. अभी वो 7 years का है. When we say you look like a mummy. जब हम लोग बोलता है उसको आप मम्मी जैसे दिखता है. She very angry. वो बहुत गुस्सा होता है. She said, her name is Deborah. उसका नाम Deborah है. वो बोलता है. She said, I am Deborah. वो बोलते हैं हम Deborah है. Not I'm a mummy. हम बोला हम मम्मी नहीं है. Not like a papa. हम पापा जैसे भी नहीं है. Amen. She if I ask more deeply, she will say I am like Jesus. अगर उसको और deeply पूछेगा, तो वो बोलेगा कि हम यीशु जैसे हैं. Amen. This revelation we need. ये जो revelation हम लोग को चाहिए. I am always teaching my children. ये चीज हमेशा हम अपना बच्चा लोगों को सिखाता है. We are only your earthly parent. बोलता है हम हमेशा बोलता है कि हम बस तेरा earthly parent है. Amen. Your real papa is Jesus. आपका असली पापा यीशु मसीह है. If you need anything. अगर आपको कुछ जरूरत है, you need to ask your real papa. आपको जो असली वाला पापा से आपको मांगना है, then that papa will speak to you.
हमें अर्थली पापा तब वो असली पापा आपका अर्थली पापा को बात करेगा हमें देन अर्थली पापा डू समथिंग फॉर यू अर्थली पापा आपके लिए कुछ कर देगा बोल हमें दोस्त को और वाचिंग अस टुडे आज हमें देख रहा है हमें यू नीड टू बिलीव आज आपको विश्वास करना है आई एम ए न्यू क्रिएचर हम एक नया क्रिएचर आई एम फ्रॉम अबव हम ऊपर से जन्म लिया है इफ यू कन्फेस एंड बिलीव अगर आप इस तरीके से विश्वास करते हैं और कन्फेस करते हैं एवरी सिकनेस गोइंग टू डिसअपीयर फ्रॉम योर लाइफ हर एक बीमारी आपका जीवन से छोड़ के चला जाएगा एवरी जीन एंड डीएनए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम mood disorder everything going to be disappear har ek genealogy problem har ek genes ka related problem wo changai ho jayega har ek psychological problem wo changai ho jayega agar aap ye prakashan ko aaj leke confess karega hallelujah hallelujah you don't say aap mat bolo you don't think about your grandfather aap apne grandfather jo pardada ke bare mat socho you need to say aapko bolna hai my papa is jesus aapko bolna mera papa yeshu masih hai hallelujah I have a amen divine life aap bolna mera papa yeshu masih mera papa यीशु मसीह का जीवन मेरे अंदर है। So Bible very clearly says। वचन बहुत clearly कहता है। We shall also bear the image of the heavenly। वचन clearly कह रहा है हम लोग भी वो स्वर्ग का जैसे स्वर्ग के समान एक इमेज को बियर करेगा लेगा बोलकर। Already our inner man what that image already ho chuka hai hamara jo inner man hai spirit being hum log ka already wo divine nature ko grahan kar chuka hai amen our outside body only waiting for the amen immortality abhi hum log ka jo bahar ka jo sharir hai wo ruk raha hai kab ye glorious body jo yeshu masih jab jee utha tha uska jaise sharir kab milega bolkar amen 1 corinthians chapter 15 verse 53 says 1 corinthians chapter 15 verse 53 kehta hai amen for this corruptible must put on the incorruption hallelujah and this mortal must put on a immortality amen let us listen from hindi hame vachan ko hindi mein sunega kyunki avishy hai ki ye nashwan dekh avinash ko pehen le aur ye maran har dekh amarta ko pehen le amen only jesus when jesus came this जब यीशु मसीह पृथ्वी में आया he took the corruptible body उसने ये corruptible body ये नाशवान शरीर को और mortal body ये mortal body जो मर जाता है but when he died लेकिन जब वो मर गया you need to understand आपको समझना है his body was never decay उसका शरीर कभी decay नहीं हुआ खत्म नहीं हुआ his body was transformed उसका शरीर transformed हो गया when we study old testament जब हम पुराना नियम पढ़ता है god took elijah परमेश्वर ने इलाइजा को लिया his body was transformed उसका शरीर जो transform हो गया jesus died यीशु मर गया after his body was transformed यीशु का शरीर डिके नहीं हुआ ट्रांसफॉर्म हो गया बट एलिजा लेकिन इलाइजा विदाउट डेथ बिना मरकर हिज बॉडी वाज ट्रांसफॉर्म परमेश्वर जो उसका बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर दिया आमेन आदम ग्रेट ग्रैंडसन जो एडम का ग्रेट ग्रैंडसन हिज नेम इज हेनोक उसका नाम इनोक है आमेन ही आल्सो वाज ट्रांसफॉर्म इनोक भी नहीं मरा एक नॉर्मल डेथ नहीं वो भी ट्रांसफॉर्म हो गया अचानक से आमेन While the Enoch was walking with God, जब इनोक जो वचन कहता है जब इनोक परमेश्वर के साथ चल रहा था, his grand-grandfather Adam was alive. उसका जो ग्रेट जो एडम था वो जीवित था. He was walking with maybe help of stick. शायद वो अपने स्टिक का मदद से चल रहा था. But that time he saw his grand-grandson Enoch walking with God. उस समय जब एडम जो बुरा होकर जब इनोक को देख रहा था अपना ग्रेट-ग्रैंडसन को देख रहा था वो परमेश्वर के साथ चल रहा था. And God loved him. परमेश्वर उसको बहुत प्यार करता था. So God without death. God took him. इसे परमेश्वर ने इनो को बिना मरा कर ले गया. His body also was transformed. उसका शरीर भी transform हो गया. Amen. When Jesus is going to come in the midday. जब वचन कहता है यीशु मसीह भी जब मिडयर में जब आएगा. Amen. Our body. हमारा शरीर भी. Going to be transformed. Transform हो जाएगा. Without death. बिना मरकर. Amen. We can transform our life. हम भी अपना जीवन में transformation देखेगा. Hallelujah. Hallelujah. I believe. हम ये विश्वास करता है. This generation going to see. ये generation देखेगा बहुत जल्दी. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Without death, बिना मरकर. If Jesus come today, यीशु मसीह आज आ जाता है. If Jesus come tomorrow, आज यीशु मसीह कल आएगा.
बिना मर के our body going to be transformed. हमारा बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. We going to fly. हम यीशु के साथ मिथेर में जाएगा. It is a Christian faith. ये हमारा क्रिश्चियन का विश्वास है. Hallelujah. Hallelujah. The corruptible body. यहाँ पे कह रहे हैं जो corruptible body. Amen. It is going to be a incorruption. ओ बोले must इनकरप्शन पहनना पड़ेगा. हालेलुया. ऑलरेडी इनसाइड आमेन द थिंग्स आर चेंज्ड. ऑलरेडी अंदरूनी चीज बदल गया है. आमेन. ओनली आउटसाइड ओनली नीड टू चेंज. अभी बाहर का चीज ही बदलने का समय आया है. But I said if inside man is strong. लेकिन हम बोले अगर अंदरूनी इंसान अगर ताकतवर होगा. Amen. When you understand it is a spirit being. जब आप समझ जाएगा कि एक spirit being है. Outside person cannot do anything. आप समझ जाने जो बाहर का जो lustful है वो कुछ नहीं कर सके. Cut off होके बैठेगा. Amen. It was paralyzed. वो paralyzed हो जाएगा. Amen. So you can kill and destroy the lust of the flesh by the spirit. आप तब वो lust of the जो flesh का जो lust है उसको आप अपना spirit being हरा सकता है. Amen. So you need to understand we are the spirit. इसलिए आज आपको समझ हम लोग एक आत्मा वाला being है बोलकर. Amen. The mortal body going to be changed. जो मॉर्टल बॉडी जो मर जाने वाला शरीर है वो इमोर्टैलिटी को पहनना है. Hallelujah. Hallelujah. While Jesus was this earth, जब यीशु मसीह पृथ्वी में था, he transformed his body before death. Yes. वो मरने से पहले अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म कर दिया था. Why? क्यों? He want to show. वो दिखाना चाहता था. This is our spiritual body. वो दिखाना चाहता था कि ये इंसान का असली रूप है बोलकर. This is spiritual. वो बोला कि being. ये बोला कि ये हमारा स्पिरिचुअल आत्मिक बींग ऐसा होता है बोलकर. आपको समझ आ रहा है? Jesus transformed. आपको समझ नहीं? यीशु भी ट्रांसफॉर्म हो गया था बिना मरकर. Amen. He before prayer. प्रार्थना से पहले. He normally wear like our clothes. वो जब बिना प्रार्थना से पहले एक नॉर्मल कपड़ा हम लोग का जैसे पहन के था. Amen. Maybe cotton or linen anything. शायद कॉटन या लिनन पहन के था. Normal. एक नॉर्मल कपड़ा. But when he transformed. लेकिन जब वो ट्रांसफॉर्म हुआ. Amen. That cloth also transformed. उसका जो कपड़ा था वो भी बदल गया कहता है. Amen. Actually, it was real. Actually, वो असली में हुआ था. So people touched Jesus' garment. इसीलिए इंसान लोग यीशु का कपड़ा को छुआ था. They got healed. और उन लोग चंगाई मिला. Amen. Maybe when you see yourself. शायद जब आप अपने आप को देखता है. Amen. You can see some body, some amen. Fleshly body. आप एक fleshly body को दिखाई देते, एक शरीर को दिखाई देता है. But when you see spiritually, लेकिन जब आप एक आत्मिक चीज में, आत्मिक being में देखता है, your body full of fire. आपका शरीर पूरी तरीका से आग से होता है. Full of glory. पूरा glory से भर के होता है. I am seeing. हम इस तरीका से अपना शरीर को देखता है. Amen. When some kind of cough or cold come to me, अगर कुछ cough or cold मेरा जीवन में आता है, I will just imagine. हम imagine करता है. Jesus' body was transformed. यीशु का शरीर